हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दियों का स्पेशल नाश्ता, जिसे हम बनाने वाले हैं चावल और गुड़ से। गुड़ में पाया जाता है बहुत सारा आयरन और गुड़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने के साथ साथ आपके शरीर को गर्माहट भी देता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो मैंने 250 ग्राम का गुड़ लिया है और 300 ग्राम चावल लिया है। चावल हमारा नॉर्मल राइस है, जो आप लोग खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बासमती चावल से भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिससे आप बनाना चाहे बन सकता है। और अब हम क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट सा काम करेंगे, गुड़ को हम अलग कर लेंगे और चावल को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा बर्तन लेंगे और इसके अंदर अपने गुड़ को अलग कर लेंगे। और चावल को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घर में चावल का आटा नहीं होता है, तो मैं इसे चावल से बना रही हूँ, क्योंकि चावल तो हर घर में अवेलेबल होता ही है। तो अब इसे हम इस तरह से मिक्सी में डाल दिए हैं और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। अगर आपका पाउडर फाइन नहीं बनता है तो आप इसे छान लीजिएगा। तो चलिए पाउडर बनाकर आपको दिखाते हैं। और पाउडर आपको फाइन ही बनाना है, ये गारंटी होनी चाहिए आपकी कि ये बिल्कुल फाइन हो। तो चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मेरा जो पाउडर था अच्छे से फाइन हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल फाइन होना चाहिए, अगर आपको जरसों भी मोटा लगे तो आप तुरंत इसे छान लीजिए। छानने से क्या होगा, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका मिल जाएगा। तो अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें इसको फैलाने के लिए स्पेस चाहिए। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और अब हम एक इम्पॉर्टेंट सा काम करेंगे, तो अब हम लेंगे देसी घी। देसी घी के साथ ये बनेगा। तो 2 चम्मच देसी घी लिया है, जो 20 ग्राम है। और अब इसको हम एक कड़छी में डाल लेंगे, जो दाल वाली कड़छी होती है, जिससे हम लोग दाल वगैरह निकालते हैं, ये बड़ी वाली कड़छी। और अब इसे गैस से रख कर गर्म कर लेंगे। तो घी को गर्म करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने घी को गर्म कर लिया है। गर्म घी को हम इसके अंदर डालेंगे और हाथ से नहीं चलाएंगे, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो हम ले लेंगे एक छोटा सा चम्मच और चम्मच से हम इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने से क्या होगा, हमारा जो घी है वो आपस में मिल जाएगा, तो ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। तब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। और अब अपने हाथों का प्रयोग करते हुए इसे अच्छे से मथ लेंगे। मसलने से क्या होगा, हमारा जो आटा है वो बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। और हमें घी को अच्छे से आटे में मिलाना है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसे करने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। और अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से घी को चावल के आटे के अंदर मिला लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, मैं डाल लिया है। और आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से मुट्ठी में लीजिए। अगर इसमें बाइंडिंग आ रही तो समझ जाइए आपका घी परफेक्ट है। अगर बाइंडिंग नहीं आ रही तो आप इसको और घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें और घी ऐड कीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं गुड़ की तरफ। तो जो गुड़ हमारा था वो बड़ा सा था, तो अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से 2 फायदे हैं, आपकी गैस की बचत होगी और इससे मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने गुड़ को डिवाइड कर लिया है। तो ये प्रोसेस हो चुका है फॉलो। और जो हमने चावल का आटे में रखा था उसको हम इस तरह से साइड में रख देंगे और इसे भी हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो घी था वो अच्छे से जम जाए। तो चलिए तब तक आगे का प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। तो एक पैन लिया है, पैन हमारा हैवी वेट होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम कच्ची मूँगफली, और ये कच्ची मूँगफली है और आपको भी कच्ची मूँगफली का इस्तेमाल करना है। और बिना किसी घी या तेल के आपको इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय आपको ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और मूँगफली में ज़्यादा लालपन नहीं होना चाहिए। हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे काला नहीं करना है, क्योंकि आगे हम इसको और तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट करने के बाद हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब इस्तेमाल करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। ये मूँगफली हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा कूटने वाला होता है ये हम लेंगे और इसमें हम मूँगफली को क्रैक करेंगे, इस तरह से क्रश करेंगे, सॉरी। तो क्रश करेंगे, अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में दरदरा भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्रश करने से फ्लेवर आता है वो अलग ही आता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी, आप अपने हाथों के बल का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से इसे कूट लीजिए और अपना सारा गुस्सा इस मूँगफली पर निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं इसे क्रश कर लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है और इस तरह से दरदरा बना दिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है, इसके 2 से 3 टुकड़े ही हमें करने हैं। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे और इसकी जो स्किन होती है उसको हम इस तरह से मसल लेंगे और मसल मसल के हम इसको 1 से 2 बार इस तरह से पटकेंगे तो ये निकल जाएगी। तो चलिए मैं इसे निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है, अच्छे से हमारी मूँगफली साफ़ हो गई है। और अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ और तावा हम सॉरी पैन हमने रख दिया है। पैन हमारा जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इससे क्या करेंगे, घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और पैन में अच्छे से फैला लेंगे। और 1 ही चम्मच घी डालना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। जैसे ही हमारा घी अच्छे से मेल्ट होगा, हमारी जो मूँगफली हमने कूट के रखी थी दरी दरी, इसको हम घी के अंदर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा, हमारी मूँगफली का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से खिल के आएगा। तो मूँगफली को हमने हल्का सा भुना ही था, तो अब हम इसको बढ़िया सा कलर आने तक भुनेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी मूँगफली में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप मूँगफली नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर बादाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद अब हमने जो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखा था उसको हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से ये क्या होगा कि हमारी दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएगी। गुड़ को मेल्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें बिल्कुल आपस में मिला लेना है। और इसके बाद हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे। तो पहले अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है, और इस तरह से देखिए हमारा गुड़ और मूँगफली अच्छे से आपस में एक दूसरे को समा चुकी है। तो इस तरह से होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे इलायची। इलायची डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं साबुत इलायची को भी इससे कट कर ली हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची डालने के बाद आपके गैस को फ्लेम को तुरंत फटाफट बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए हमारा ये ठंडा होना ज़रूरी है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हमारा जो ये चावल का आटा था इसको हम अब गूंदेंगे। तो चलिए अब इसे गूंदना शुरू करते हैं। तो हम लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी का इस्तेमाल करिए चावल के आटे को गूंदने को, तो कभी भी चावल का आटा आपका बिखरेगा नहीं। तो ये टिप नंबर 1 है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इसे हम हल्का हल्का सा इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मसल मसल कर गूंदेंगे, क्योंकि हमने घी डाला है तो घी हमारा जमा होगा। अगर हम इसे टाइटली करेंगे तो आटा हमारा हार्ड हो जाएगा और हमें हार्ड आटा नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मसलना है। और एक साथ पानी ऐड करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमें इसका ना बहुत ज़्यादा मुलायम डो लगाना है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है, मीडियम डो लगाना है। तो इस तरह से हम मसलते हुए इसको लगा लेंगे। तो इसे लगाने में हमें लमसम 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है, और इस तरह से हमारा डो लग जाएगा। डो को गूंदना नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमने इसे बांध लिया है, और थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे क्योंकि थोड़ा पानी हमें कम लग रहा है। तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड कर देंगे, और अब इसे हम छोड़ देंगे। इसे गूंदना नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है, और इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट बाद हम अपने आटे को चेक करेंगे। तब तक हमारा वो जो था मिस्टर्न वो ठंडा हो जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसको हम 1 से 2 बार मसलेंगे। मसलने से क्या होगा, जो हमारा घी जमा हुआ है वो अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप मसलेंगे नहीं तो घी के जो छोटे छोटे से दाने होंगे वो आपको परेशानी करेंगे, यानी वेलने में परेशानी करेंगे। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आपका स्वागत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो बस लाइक कर देना। तो इस तरह से नींबू के आकार की हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। तो चलिए फटाफट इसकी गोलियाँ बनाकर आपको दिखाते हैं। तो नींबू के आकार से ज़्यादा बड़ी गोली इसकी नहीं बनानी है। तो इस तरह से हमारी जितनी गोलियाँ इसके अंदर रेडी हो जाएंगी उतनी हम बनाकर आपको दिखाते हैं। जब तक हम ये गोलियाँ बनाएंगे, हमारा जो मिस्टर्न है वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा और आगे का प्रोसेस हमें करने में आसानी होगी। तो देखिए सारी गोलियाँ मैंने बना लिया है, और अब हम क्या करेंगे, एक गोली लेंगे और इसे अच्छे से हम इस तरह से चिकना करेंगे, और जैसे हम रोटी के लिए करते हैं सेम उसी तरह करेंगे। और अब इसे हाथ से फ्लैर कर देंगे। आप चाहें तो इसे चावल के आटे से कोट कर सकते हैं, या फिर आप मैदे से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे चावल के आटे से ही कोट किया है, और अब इसे हम बेलेंगे। तो फ्रेंड ये चावल का आटा है तो थोड़ा सा क्रैक होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे शेप दे देंगे तो कोई झंझट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे इक्वली गोल शेप में बेल लेंगे, और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से छोटी कटोरी होगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर कोई ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसकी छोटी सी रोटी निकाल लेंगे। तो देखिए रोटी हमारी कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम अपनी सारी रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए सारी रोटी मैंने बना लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अब हम कटोरी में लेंगे थोड़ा सा
मैदा, और मैदे में हम डालेंगे घी 1 चम्मच गरम घी, और अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे लमसम 3 चम्मच, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये पेस्ट नहीं बनाएंगे तो आपका नाश्ता फ्राई करते समय फैल जाएगा। ये पेस्ट आपके नाश्ते को लॉक करने का काम करता है, जैसे आप दरवाजे को लॉक करते हैं फिर उसके बाद उसमें कोई भी आ नहीं सकता, उसी तरह से अगर आप इसको अच्छे से लॉक कर देंगे इसके साथ, तो इसके अंदर तेल कभी भी नहीं जाएगा और आपका नाश्ता हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे बना लिया है, अब इसे हम हटा देते हैं और अपनी ये चेक करते हैं जो हमारा मिश्रण था। तो देख लीजिए हमारा जो मिश्रण था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा करना ज़रूरी है, ठंडा अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये नाश्ता नहीं बना पाएंगे। तो देखिए ठंडा हो चुका है और इस तरह से जमने के फॉर्म में आ गया है। तो हम इसकी छोटी सी गोली इस तरह से रेडी कर लेंगे और अब हम इसे शेप देना बताएंगे आपको। तो सेब हम बहुत ही आसानी से देंगे, तो एक हम छोटी सी रोटी ले लेंगे इस तरह से, और इस पे हम थोड़ा सा ये वाला मिश्रण अच्छे से लगाएंगे इस तरह से, और इसके चारों तरफ से इसको हमें अप्लाई करना है। ऐसा करने से ये लॉक करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और इसका बना नाश्ता कभी भी निकलेगा नहीं जो हम स्टफिंग को भरेंगे। तो इस तरह से स्टफिंग को रखेंगे और अब हम इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। तो हम इसकी गुजिया के सेब बना रहे हैं, आप चाहे तो इसे मशीन से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ क्योंकि हाथ से बहुत ही ईजी बन जाती है। तो कटोरी से काटने से क्या होता है कि आपकी सारी गुजिया एक साइज़ की बनती है और कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसे हाथ से बनाया है। अगर आप इसे बराबर साइज़ से नहीं काटेंगे तो एक गुजिया छोटी एक गुजिया बड़ी होगी। तो इस तरह से आप मशीन से भी बना सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो। ये वाली मशीन हर घर में अवेलेबल होती है जिससे आप लोग नॉर्मली गुजिया बनाते हैं इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं सारा बना देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए एक और बना कर दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो इस मिश्रण को देखिए मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया है और अब हम छोटा सा अमाउंट लेंगे इसका जितना आपको फिल करना हो, और इस तरह से इसको गोल शेप में करने से क्या होगा ये बिखरेगा नहीं, और इसे हम इस तरह से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद सेंटर को हमें बिल्कुल आराम आराम से दबा देना है और अच्छे से दबा दबा कर लॉक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें से गुड़ वाला जो मिश्रण है वो निकलेगा नहीं। अगर आप इसे अच्छे से लॉक नहीं करते हैं तो आपका ये मिश्रण तुरंत फैल जाएगा क्योंकि गुड़ तेल में जाते ही पिघल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया को रेडी कर लिया। देख लीजिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी लग रही है, और इसे आप इस तरह से बना कर रख सकते हैं। जब आपका मन हो तब आप फ्राई कीजिए, और आप इसे फ्रिज में रख के कम से कम 10 से 15 दिन तक इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे बना लेंगे तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना है, और तेल गर्म करते समय आपको ख्याल रखना है गैस का जो फ्लेम होना चाहिए मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पर आपको तेल को नहीं गर्म करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे तो आपकी गुजिया फट जाएगी। तो लो फ्लेम पर हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है। कढ़ाई जो आपकी होनी चाहिए हैवी वेट होनी चाहिए, और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसकी गुजिया को डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखी है। तो फ्रेंड आपकी जितनी गुजिया एक बार में आए उतनी डालिएगा, बहुत ज़्यादा भर के मत डालिएगा, और तेल ऊपर तक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जितनी गुजिया हो सकेगी इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गैस का जो फ्लेम होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और बाकी वही गुजिया को मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो इस तरह से हम 1 से 2 मिनट रखेंगे इसे, और 1 से 2 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो टर्न करने से पहले हम क्या करेंगे इस तरह से देख लेंगे कि ये हुई है या नहीं। तो देखिए ये हो गई है, तो अब हम सारी टर्न कर लेंगे, और देखिए हमारी गुजियों पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और हम इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल हल्का सा गोल्डन करेंगे जिससे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से देखिए हमारी गुजिया हो गई है रेडी, और इसे बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है क्योंकि चावल का आटा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से बनाइए खाइए गुजिया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम बाकी बची गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए गुजिया का जो कलर है वो कितना चेंज है, पहले कितनी वाइट थी अब बिल्कुल हल्के से गोल्डन हो गई है। इस तरह से हम रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस आ जाए। तो इसी तरह हम अपनी सारी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। गैस का जो फ्लेम होना चाहिए लो होना चाहिए। तो ये गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, आप इसे बच्चों को बना कर खाएंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। और इसी तरह मैं अपनी सारी गुजिया बनाकर आपको दिखाती हूँ लास्ट में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है जो गुड़ और मूँगफली से बनी है। आशा करते हैं आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए एक गुजिया हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं जिसके जो ऊपर की
और अभी वो कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, और देखिए अंदर से हमारी जो स्टफिंग है कितनी अच्छे से हो गई है। तो इस तरह से ये गुजिया ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसमें जो गुड़ है बहुत ही ज़्यादा औसम फ्लेवर का लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।